Good morning friends, welcome to my channel Pharma Care. Today we are taking with the topic that is a leprosy and its anti-leprotic drugs. My name is Kumar Sharma, so here I begin. First topic I will take that is a leprosy. Leprosy is a chronic infection disease caused by the mycobacterium leprae, which is an acid fast bacteria. Leprosy is a chronic infection disease hoti hai jis jo ki माइकोबैक्टीरियम ट्यूब लेप्री से फैलती है और एसिड फास्ट बेसिली होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री. एसिड फास्ट बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं तो वो आसानी से स्टेन लेता नहीं है. अगर एक बार स्टेन ले लिया तो वॉश करते हैं जब हम एसीटोन से तो वो वॉशेबल नहीं होता. इसका मतलब एसिड फास्ट बैसिली है वो. इट प्रोड्यूस अ करेक्टरिस्टिक लेशंस इन द स्किन्स एंड द पेरीफ्रल नर्व्स. ये बोल रहा है कि जो लेप्री बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, पेरीफ्रल नर्व्स के ऊपर और स्किन्स के ऊपर लेशंस प्रोड्यूस करता है. उसके बाद बोल रहा है कि ह्यूमन लेप्रेसी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द एनिमल ईजीली. जो बोल रहा है ह्यूमन के अंदर जो लेप्रेसी होता है वो एनिमल्स के अंदर इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होता. लेप्री बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय द हैंसन इन 1873 में हैंसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेप्रेसी बैक्टीरिया को डिस्कवर करा था. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक टाइप्स ऑफ लेप्रेसी. फर्स्ट टाइप ऑफ लेप्रेसी इज द लेप्रोमेटस लेप्रेसी. द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज इम्पेयर्ड अगेंस्ट द लेप्रा बेसिली, हैंस द कोर्स ऑफ डिजीज प्रोग्रेस इज वेरी रैपिडली. ये बोल रहा है लेप्रोमेटस लेप्रेसी के अंदर जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी होती है CMI इम्यूनिटी जो हमारे अंदर होती है उसको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से जो लेप्रेसी होती है वो डिजीज़ बढ़ने लग जाती है, रैपिडली बढ़ती है. फिर दिस इज करेक्टराइज बाई एक्सटेंसिव बायलेटरल स्किन लेशंस विच कंटेन अ न्यूमरस लेप्रा बेसिली. ये बोल रहा है कि ये जो लेप्रोमेटस लेप्रेसी जो होती है ये एक बायलेटरल स्किन लेशंस प्रोड्यूस करती है, मतलब आधे हिस्से में और दोनों हाफ रीजन्स में हमारे बॉडीज़ के अंदर सेम डिजीज़ करेगा और उधर जहाँ पे भी लेशंस करेगा वहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस लेप्री बेसिलाइज पाए जाएंगे. नेक्स्ट टाइप की लेप्रेसी होती है ट्यूबरक्लोइड लेप्रेसी CMI. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है इज इंटैक्ट एंड इज करेक्टराइज बाय द प्री डोमिनेंट पेरीफ्रल नर्व इन्वॉल्वमेंट विद अ सिंगल या फ्यू लेशंस. इसमें बोल रहा है कि जो CMI होता है वो इंटैक्ट रहता है और सबसे ज़्यादा पेरीफ्रल नर्व को ये डिस्ट्रॉय करता है ट्यूबरक्लोइड लेप्रेसी, और इसमें या तो सिंगल लेशंस होगा या फ्यू लेशंस होगा. बेसिलाइज आर रेयरली सीन. जो बेसिलाइज होते हैं जो लेप्री बैक्टीरिया के जो बेसिलाइज होते हैं वो रेयरली सीन होते हैं, मतलब कभी कभी दिख गए कभी नहीं दिख गए ऐसे होता है. अब दो तरह के लेप्रेसी और आते हैं, एक मल्टी बेसिलरी होती है एक पॉसी बेसिलरी होती है. मल्टी बेसिलरी के अंदर होते हैं जब बहुत सारे तुम्हें लेप्री बैक्टीरिया दिख जाए तो उसको मल्टी बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें आता है बॉर्डरलाइन लेप्रेसी, जिसमें आता है बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी, एक लेप्रोमेटस लेप्रेसी आता है, और एक होता है पॉसी बेसिलरी. अगर तुम्हें सिंगल टाइप की लेप्रेसी मिल जाए तो एक होता है बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्लोइड लेप्रेसी, एक ट्यूबरक्लोइड लेप्रेसी होता है सिंगली, और एक इंटरमीडिएट लेप्रेसी होता है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी. अब हमारे अंदर लेप्रेसी हो गई, किसी भी पेशेंट के अंदर लेप्रेसी हो गई, अब हम क्या कौन से ड्रग यूज कर सकते हैं लेप्रेसी को हम ठीक करने के लिए. बहुत सारे ड्रग्स होते हैं. सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग जो हम यूज़ करते हैं आज भी और पहले भी यूज़ करते थे, जिसका नाम है डेप्सोन, जिसको हम डाई अमाइनो फिनाइल सल्फोन भी बोलते हैं DDS. इसके हम अंदर हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे पूरी वीडियो देखते रहो. सेकेंड होता है क्लोफेक्जिमाइन, थर्ड होता है रेफाम्पिन, फोर्थ होता है इथियोनोमाइड, नेक्स्ट इज ऑफ्लक्सिन, मीजोसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन. नाउ वी विल टेक अप विद द
ड्रग डेप्सोन. डेप्सोन का ये स्ट्रक्चर होता है NH2 फिर बेंजीन फिर SO2 देन बेंजीन देन NH2. ठीक है, डेप्सोन एक सल्फोन होता है जो कि सबसे ओल्डेस्ट होता है, सबसे चीपेस्ट ड्रग था, वाइडली यूज्ड एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी. आज भी हम बहुत ज़्यादा डेप्सोन को यूज़ करते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सल्फोन्स आर केमिकली रिलेटेड टू द सल्फोनामाइड हैविंग द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये बोल रहा है सल्फोन, मतलब मैंने पहले बताया डेप्सोन को सल्फोन बोलते हैं. ठीक है, केमिकली सल्फोनामाइड से रिलेट होते हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, बिल्कुल सेम टू सेम. ठीक है, लेप्रा बैक्टीरिया यूटिलाइज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड विच इन टर्न इज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन. ये बोल रहा है लेप्रा बैक्टीरिया क्या होता है, इसको लेप्रा डिजीज कब बढ़ेगी, डिजीज बढ़ेगी जब बैक्टीरिया बढ़ेगा, ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, ग्रो करेगा. अब उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए उसको चाहिए अपना सेल वॉल की ग्रोथ करने के लिए. अब सेल वॉल ग्रोथ करती है अपनी फोलिक एसिड से. अब फोलिक एसिड तभी ग्रो होगी जब लेप्रा बैक्टीरिया पैरामाइनो बेंजोइक एसिड सिंथेसिस करेगा, यूटिलाइज करेगा, उससे फोलिक एसिड बनेगी. फोलिक एसिड बनेगा, वो इंटर्न हेल्प करेगा आपका सेल वॉल बनाने में, और सेल वॉल बनेगा तो उसकी ग्रोथ होगी और मल्टीप्लिकेशन होगी और बैक्टीरिया बढ़ेगा, और बैक्टीरिया बढ़ेगा तो डिजीज भी बढ़ेगी. ठीक है, अब डेप्सोन हम, अब हमारे अंदर लेप्रेसी डिजीज हो गई है, अब हमने डेप्सोन अंदर दिया. अब डेप्सोन क्या होता है, डेप्सोन सिमिलर स्ट्रक्चर होता है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड से, हेंस कॉम्पिटिटिवली इनिबिट फोलेट सिंथेटेज एंजाइम एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड. अब क्या करता है, डेप्सोन स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड से, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड से सिमिलर होता है, और लेप्री बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड को. अब वो क्या दे, हमने डेप्सोन हम अंदर देंगे, अब बैक्टीरिया समझेगा कि हमने पैरामाइनो बेंजोइक एसिड दिया है पर वो एक्चुअली होता है डेप्सोन. अगर फिर हम फिर लेप्री क्या करेगा, डेप्सोन को खाने की कोशिश करेगा पर वो था दुश्मन डेप्सोन, वो उसको मार देगा. वो मार देगा, कैसे मारेगा कि फोलेट सिंथेटेज एंजाइम जो होगा ना उसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से फोलिक एसिड नहीं बनेगा, मतलब फोलिक एसिड नहीं बनेगा, मतलब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा. थस प्रोड्यूस दी लेप्रोस्टैटिक इफेक्ट, वो बैक्टीरियाज को रोक देगा, मल्टीप्लाई नहीं करने देगा और डिजीज रुक जाएगी. अब इसको हम और अच्छी तरह समझने के लिए डायग्रामेटिक वे में देखते हैं. एक्चुअली होता क्या है बैक्टीरिया के अंदर, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड का क्या है, बैक्टीरिया अपने अंदर लेगा. पैरामाइनो बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फोलेट सिंथेसिस विल फॉर्म द डाइहाइड्रोफोलिक एसिड. इन डाइहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना देता है, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ होती है और बैक्टीरिया बढ़ता है, डिजीज बढ़ती है फिर. पर हमें ऐसा होने नहीं देना, डिजीज़ को रोक रहे हैं ना, तो इसलिए हम डेप्सोन को क्या करते हैं, डेप्सोन दे देते हैं जो फोलेट सिंथेटेज को रोक देगा, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, जिसकी वजह से फर्दर कुछ भी नहीं होगा, फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो सेल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नहीं होगी और डिजीज रुक जाएगी. नेक्स्ट वी विल टेकिंग अबाउट द टॉपिक द फार्माकोकाइनेटिक. फार्माकोकाइनेटिक बेसिकली बहुत सिंपल वर्ड है, फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब होता है कि जो ड्रग है, जो हमने अंदर मतलब माउथ के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू या फिर ट्रांसडर्मली ओरली कुछ भी लिया है, हम डेप्सोन जर्नली ओरली लेते हैं, वो ड्रग बॉडी के ऊपर, मतलब बॉडी उसके ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है, बॉडी क्या इफेक्ट कर रही है ड्रग के ऊपर, तोड़ रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, वो होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक. डेप्सोन जर्नली इज गिवन ओरली एंड इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम गट. गट से ऑलमोस्टली सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और डेप्सोन हम मुंह के थ्रू लेते हैं. ठीक है, जब ये डेप्सोन अंदर लिया जाएगा तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं ना उनके साथ हम एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन इनके साथ बाइंड कर जाता है. ठीक है,
वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, ठीक है, वाइड मतलब अगर हम बॉडी में लेंगे टैप्सोन को, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब होगा, मेटाबोलाइज होगा, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह होगी. पार्टली सिक्रेटेड इन द बाइल एंड अंडरगोज अ एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग. ये क्या करता है, बाइल के अंदर पार्टली सिक्रीट होता है और एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग जाता है. एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी ड्रग लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा. मेटाबॉलिज्म होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर एक्सक्रीशन होगा. जब एक्सक्रीशन होता है उसका तो इंटेस्टाइन में जाएगा. इंटेस्टाइन में अगर कोई भी ड्रग एंट्रोहेपेटिक साइक्लिन दिखा रहा है तो वो इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी. डेप्सोन इज मेटाबोलाइज बाय एसाइलेशन एंड मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूराइन. ये बोल रहा है कि डेप्सोन जो भी है मेटाबोलाइज होता है एसाइलेशन प्रोसेस से, और मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं उसके बाद प्रोडक्ट जो बनता है उसको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, वो यूरिन में आपका एक्सक्रीट हो जाएंगे. नेक्स्ट वी विल टेकिंग अबाउट द एडवर्स इफेक्ट. अब तुमने डेप्सोन ले लिया, ठीक है, अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होंगे जो पेशेंट्स के ऊपर देखे जाते हैं. सबसे मोस्ट कॉमन और बहुत खतरनाक होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, जो कि पर्टिकुलरली पेशेंट विद G6PD डेफिशिएंसी में हो जाता है. G6PD की फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. इसका काम होता है कि जो RBCs होती है ना उसकी वॉल को रिजिड रखे, मतलब कंट्रोल रखे, टूट ना जाए, ये काम होता है इसका. अगर यही नहीं होगा तो हीमोलाइसिस होगी. हीमोलाइसिस होगी तो फिर आपको पता ही है कि एनीमिया हो सकता है, एनरोक्सिया हो सकता है, न्यूजिया हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, और मिथेमोग्लोबीमिया हो सकता है. अगला टॉपिक हम कवर करेंगे कीमोथेरेपी ऑफ लेप्रेसी. कीमोथेरेपी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिकमेंड्स दी यूज़ ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी MDT फॉर ऑल लेप्रेसी केस. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें क्या कर रखा है, एक मल्टी ड्रग थेरेपी को रिकमेंड कर रखा है. जितनी भी लेप्रेसी है ना उनके लिए क्या कर रखा है, हमें मल्टी ड्रग थेरेपी रिकमेंड कर रखा है. मतलब बताया हुआ है हमें कि ये वाले ड्रग्स लो तुम, एक साथ 3-4 ड्रग लो. मल्टी ड्रग थेरेपी का मतलब है एक साथ 3-4 ड्रग्स लो एक ही बारी में, ठीक है. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब मल्टी ड्रग थेरेपी लेते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो डिजीज़ हो रही है वो बार बार ना हो. दूसरा पॉइंट है कि शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव थेरेपी. इफेक्टिव जो थेरेपी हम ले रहे हैं उस वो थेरेपी कम दिनों तक चले, या और जल्दी और अच्छी थेरेपी मिले. मतलब अगर तुम लेप्रेसी की नॉर्मली एक टैबलेट ले रहे हो तो वो 3-4 साल तक चल सकती है, या फिर अगर हम मल्टी ड्रग थेरेपी ले रहे हैं तो 3-4 साल की जगह वो 1 साल में ही ठीक कर दे लेप्रेसी को, ये भी हो सकता है. तीसरा पॉइंट बोल रहा है टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस वैसलाइज. अब कोई भी ड्रग ले रहे हो और तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया है, अब वो बैक्टीरिया एक ड्रग तुम ले जा रहे हो वो उससे ठीक नहीं हो रहा, अब वो रेजिस्टेंस बना लेगा. एक ही ड्रग तुम कंटिन्यूसली दे जा रहे हो. अगर तुम मल्टी ड्रग बहुत सारी तरह से मारोगे उस बैक्टीरिया को तो वो क्या करेगा, मर जाएगा वो आराम से. फोर्थ पॉइंट टू मेक द पेशेंट नॉन कॉन्टेजिनियस एज अर्ली एज पॉसिबल बाई किलिंग द डिवाइडिंग बैसिले. डिवाइडिंग बैसिले जो डिवाइड कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी मार के नॉन कॉन्टेजिनियस बनाना पेशेंट को. नॉन कॉन्टेजिनियस का मतलब होता है कि दूसरे बंदे को ना फैल जाए वो बीमारी, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगली टॉपिक लेते हैं हम ट्रीटमेंट शेड्यूल्स, ठीक है. ऑल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड ओरली. सारे ड्रग हम जो भी ड्रग लेते हैं, डेप्सोन हो गया, क्लोफेक्समाइन हो गया, रेफामसिन हो गया, ये सारे के सारे ड्रग हम क्या करते हैं, ओरली लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले होता है फॉर मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी, ठीक है, जिसके अंदर लेप्रोमेटस लेप्रेसी आता है. BL फॉर बॉर्डरलाइन, और बॉर्डरलाइन BB होता है. मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी में हम लेते हैं आपका रेफामसिन 600 mg,
एक मंथ में एक बार क्लोफेक्समाइन 300 mg, एक मंथ में एक बार, ये होता है सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब होता है जो डॉक्टर है ना उसके सुपरविजन में लेना है, उसी की निगरानी में लेना है, ठीक है। दूसरी इसी के साथ लेना है डेप्सोन 100 mg डेली लेना है वो, क्लोफेक्समाइन 50 mg वो मंथ में एक बार लेना है, वो अनसुपरवाइज हो सकता है, मतलब वो घर पे ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक लेप्रेसी होती है पॉसी बेसलरी, ठीक है, इसके अंदर टीटी आता है, बीटी आता है, आई आता है इंटरमीडिएट, ठीक है। इसमें ड्रग्स ले जाते हैं ड्रेफामसिन 600 mg, एक मंथ में एक बार सुपरवाइज होता है, डेप्सोन 100 mg जो अनसुपरवाइज होता है। एक होता है सिंगल लेसन पॉसिलेबरी, मतलब एक ही लेसन हो रखा है, एक ही टाइप के मतलब एलर्जीज हो रखी हैं, उस टाइप ऑफ लेप्रेसी में क्या हम कौन सी ड्रग लेंगे, इसमें एक वर्ड याद रखना है रोम, आर फॉर रेफामसिन, ओ फॉर ऑफ्लक्सिन, एम फॉर मिनोसाइक्लिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।